Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। बाहर आ जाइए मित्र, मैं आपको लेने आया हूँ। हम दोनों मिलकर आपके महादेव पुनः ढूंढने का प्रयास करेंगे। अंततः प्रभु महादेव बनने आ गए। क्या आप सब बता सकते हैं कि मेरी मित्र इस कैलाश किस भाग में है? वो दुखी है, मेरा उनके पास जाना अति आवश्यक है। नंदी जी, मैंने आज से पहले प्रभु को इतना भाव विभोर कभी नहीं देखा। माता अचानक अदृश्य हो गई है पुष्पदत्त, बिना किसी को कुछ बताए। नंदी जी, माता के अचानक अदृश्य होने का क्या कारण हो सकता है? मेरा अनुमान था कि माता के अदृश्य होने का उद्देश्य प्रभु को यहां कैलाश लाना था। मित्र, आप कहां हो? मित्र, ये क्या? प्रभु तो अब भी महादेव नहीं बने, तो क्या निराशा का ये अंधकार कभी नहीं छूटेगा? अब ये तो घोर आश्चर्य की बात है। महादेव की ध्यानशिला पर बैठने के बाद भी बाल शिव महादेव नहीं बने। कदाचित ये बहन पार्वती के अभाव में हो रहा है, क्योंकि दोनों की संयुक्त शक्ति ही एक दूसरे को पुण्यता प्रदान करती है। मित्र, कहाँ हैं आप? मित्र, विरह की वेदना से बाहर आइए। मित्र, विश्वास कीजिए, आपके महादेव आपको अवश्य मिलेंगे। आप मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है, सामने आइए। मित्र, ये तो मित्र का स्वर है। मित्र, आप दुखी क्यों हैं? आप रो क्यों रहे हैं? कहाँ हैं आप मित्र? मित्र, आप कहाँ हैं? मित्र कहाँ हैं? सुन रहे हैं आप मुझे? मित्र, मैंने कहा ना, आपके महादेव आपको अवश्य मिलेंगे। विश्वास कीजिए मुझ पर, मत रोइए, मेरे समीप आइए। मित्र, क्या हुआ प्रभु? आपके नेत्रों से अश्रुओं की धारा क्यों प्रभु? मित्र ने स्वयं को सूर्य में समा लिया है। नंदी जी, जय मां, जय मां, जय मां,
जय माँ, 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 माँ, इस उष्णता में भी तेरी ममता मई स्पर्श है माँ। तेरे स्मरण मात्र से भीषण उष्णता भी शीतलता में बदल जाती है माँ। यही तो अपनी संतानों पर तेरी करुणा है माँ। तुम्हारी इच्छा से ही ये संसार है, यही सत्य है माँ और यही सनातन है मेरी माँ। अब मैं तेरे अंक में आ रहा हूँ माँ, मैं तेरे अंक में आ रहा हूँ, मेरी पुकार सुन लो माँ। मेरी पुत्री बनकर मेरे पास आ जा माँ, मुझे अपना पिता बनने का सौभाग्य दो माँ, अन्यथा इस अग्नि को मेरी चिता बना दो। आपने मेरी पुत्री बन के जन्म ले ही लिया माँ, आपने मुझे अपना पिता बनने का सौभाग्य दे ही दिया। मेरी भक्ति मेरा जीवन धन्य हो गया माँ, धन्य हो गया। माँ, माँ, मेरी पुत्री, माँ,
माँ तेरे भक्त आ गए माँ। बधाई हो ऋषि कात्या, आदिशक्ति आपके घर में पुत्री बनकर आई। जगत में आज से ही कात्यायनी के नाम से जानी जाएंगी। कात्यायनी, कात्यायनी। जय मां, जय मां, जय मां। आदिशक्ति आपको पहचान क्यों नहीं रही है माते? क्योंकि इनकी स्मृति तो सुषुप्तावस्था में है ऋषि कात्यायन, और इनकी शक्तियां भी निष्क्रिय हैं। तो इनकी स्मृति कब जागृत होगी माँ? पिता रूप में इन्हें सामान्य रूप में लाना आपका दायित्व है ऋषि कात्यायन। आप इनके लालन पालन की समुचित व्यवस्था करें, किसी भी वस्तु का अभाव ना होने दें। अपनी पुत्री के जीवन में मैं किसी भी वस्तु का अभाव कभी नहीं होने दूंगा, परंतु मेरी पुत्री मुझे तो पहचानेगी ना माते। कात्यायनी, मैं तुम्हारा पिता पुत्री। मेरी पुत्री कात्यायनी, अहो भाग्य हमारे जो तुमने अपने पिता को पहचान लिया। चलो अपने घर चलते हैं। राता इसी वृक्ष में बंदी है भ्रष्वासुर। हाँ, इसी वृक्ष से उसे हमें बाहर निकालना है। मैं तो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, ये नया जीवन देने के लिए। भ्रष्वासुर, बिना स्वार्थ मैं किसी के लिए कुछ नहीं करता।
स्वयं अपने लिए भी नहीं, मुक्ति दी है तो मूल्य लूंगा। इस मुक्ति के लिए आप जो मांगोगे मैं दूंगा, आप आदेश करें। देवी पार्वती ने बाल स्वरूप धारण किया है ऋषि कात्यायन की पुत्री के रूप में, कात्यायनी नाम है उसका। जा और जाकर उस पर दृष्टि रख और उसकी सारी गतिविधियों की जानकारी मुझे दे। जो आ गया सुराज। राता, उस बाल पार्वती पर दृष्टि रखने का कार्य मुझे सौंपी। नहीं अजामुखी, तू सिर्फ बाल शिव पर दृष्टि रख। और हाँ, तुम दोनों मेरी ये बात ध्यान से सुनो, तुम दोनों को सतर्क रहना है और सही अवसर की प्रतीक्षा करनी है ताकि मैं उनको अपना आखेट बना सकूं। और सबसे पहले तुम दोनों को अवसर ढूंढना है उस अनसुईया को मृत्यु दंड देने का। उसने मेरे हर कार्य में बाधा उत्पन्न की है और उसे मार्ग से हटाना बहुत आवश्यक है। तो समझिए वो आपके मार्ग से हट गई। चलो ब्रजवासी। प्रणाम गुरुदेव। आप मेरे किस शत्रु का भेदिया बन के आए हैं आप? मैं समझ रहा हूं तारकासुर, तुम किसे इंगित कर रहे हो, किंतु मूर्ख जिसे तुम अपना शत्रु समझ रहे हो वो तो ईश्वर हैं, जगत पिता और जगत माता हैं। बस यही कहना चाहते थे आप? मैं सावधान करने आया हूं, तुम्हें बताने आया हूं कि आज आदिशक्ति और महादेव दोनों अपने बाल रूप में हैं और दोनों ही स्मृतिहीन हैं। ये सूचना दे के आपने मेरा कार्य सरल कर दिया गुरुदेव। अब मैं स्वयं ऐसी व्यवस्था करूंगा कि उनकी स्मृति कभी वापस ना आए। तारकासुर, तुम्हारे मस्तिष्क में जो तरंगे उठ रही हैं ना, उसे अच्छी तरह से पढ़ सकता हूं मैं। जिसे सूचना समझकर तुम हर्षित हो रहे हो वो सूचना नहीं परामर्श है मेरा। मेरा आधार स्वप्न मत देखो। उस आश्रम की परिधि के चारों ओर आदिशक्ति की रक्षा के लिए सारे शिव भक्त कवच बनकर निवास करेंगे। शक्ति की रक्षा का तो हल बता दिया गुरुदेव आपने, पर ऋषि कात्यायन का क्या करेंगे आप? बुद्धदेव और किसी भी देवी देवता की भक्ति को महत्व नहीं देते, उनको कौन समझाएगा? उनके एकांगी विचार से उत्पन्न दुष्परिणामों से संसार को कौन बचाएगा? अच्छाई में भी बुराई ढूंढ ही निकालते हैं तुम जैसे खल। अच्छाई में बुराई नहीं निकाल रहा हूं, अच्छाई या बुराई में कैसे बदलेगी ये बता रहा हूं। गुरुदेव, मेरी बात गांठ बांध लीजिए। ऋषि कात्यायन के कारण अब असुरों और देवताओं में युद्ध नहीं होगा,
बल्कि देवी देवताओं के भक्तों के बीच युद्ध होगा, क्योंकि जितनी भक्ति ऋषि कात्यायन में है उतनी शक्ति उसकी देवी सेना में भी है। प्रणाम गुरुवर। गुरुदेव, आपने देवी सेना को पुनः अपने क्षेत्र में स्थापित करने के आदेश दिए? हाँ संदीपन। क्यों गुरुदेव, क्या किसी संकट की आशंका? इच्छाओं का संकट है संदीपन। हमारी पुत्री की इच्छाओं का, बालमन की इच्छाएं अनियंत्रित नदी के प्रवाह के समान होती हैं संदीपन, और इस अनियंत्रित प्रवाह को नियंत्रण में रखने के लिए और तटीय क्षेत्रों को सुरक्षित रखने के लिए तटबंधों का निर्माण किया जाता है। ये देवी सेना वही तटबंध है, एक सुरक्षा चक्र मेरी पुत्री के लिए, ताकि मेरी पुत्री सदैव सुरक्षित रहे और अन्य बाह्य शक्तियों के आकर्षण से बची रहे। अचानक ऐसा निर्णय लेने का क्या कारण है गुरुदेव? कल रात्रि प्रहर निद्रा से जागकर पुत्री कात्यायनी यहां आई थी इस परकोटे पर, और उसने उस शैव पहाड़ी की ओर इंगित किया। वो शैव पहाड़ी तो हमारी वर्जनाओं की सीमा में आती है गुरुदेव। कल रात्रि की घटना से यही तो भय है संदीपन, और एक पिता होने के नाते मैं अपनी पुत्री की इच्छाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहता। यदि पुत्री कात्यायनी कल उस शैव पहाड़ी पर जाने का हट करती है तो हमें राक्षस क्षेत्र पार कर उस शिवलिंग तक पहुंचना होगा, और यह दोनों क्षेत्र हम देवी उपासकों के लिए वर्जित हैं। इसलिए हमने ये निश्चय किया है कि हम अपनी पुत्री को सदा देवी सेना की निगरानी में रखेंगे, उसके उस आकर्षण को खंडित करेंगे, ताकि वो समय से पहले अपने पार्वती रूप से परिचित ना हो, और इसके लिए ये सुनिश्चित करना होगा कि पुत्री कात्यायनी किसी भी स्थिति में इस आश्रम की सीमाओं से बाहर ना जाए, और यह कार्य तुम करोगे संदीपन। जो आगे गुरुदेव। और हां, कभी भी हमारी पुत्री को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उस पर कोई बंधन है। उनकी स्मृति वापस आने तक हमें बहुत सजग रहना होगा। मगरमच्छ पुत्री, अकेले क्यों आई मां? आप मुझसे कहती मैं लेकर आता आपको। मां, आज अगर आपको कोई क्षति पहुंचती तो
कितना भयानक मगरमच्छ था माँ। बाहर संकट है माँ, आपको अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब से आपको सुरक्षा से बाहर नहीं आना है। चलो माँ, अब घर चलते हैं। महान असुर राज त्रिलोक विजेता तारकासुर की जय हो। आओ रश्वासुर, क्या समाचार है? असुर राज, कल ऋषि कात्यायन की पुत्री कात्यायनी पहाड़ी पर जाने वाली है। वो मार्ग तो राक्षस क्षेत्र से होके निकलता है। जी असुर राज, स्वर्णिम भी है और सुअवसर भी। ये अवसर हाथ से निकलना नहीं चाहिए वृषभासुर, किसी भी मूल्य पे नहीं। कल संसार के लिए भुवन भास्कर उदय होंगे क्षितिज में, किंतु स्मृतिहीन और शक्तिहीन कात्यायनी के लिए संकट का सूर्य उदय होगा। ब्रह्म कमल यहाँ भी नहीं है। क्या हुआ मोर, तुम बैठ क्यों गए? ब्रह्म कमल को ढूंढते ढूंढते थक गया मित्र, पर मिला नहीं। परंतु उसे ढूंढना तो होगा ना मोर, नहीं तो माँ की पूजा कैसे सफल होगी? यह भी तुम सही कह रहे हो, हमारे कारण यदि माता की पूजा पूर्ण नहीं हुई तो यह भी अनुचित है। इसीलिए बैठो मत, आओ चलो ढूंढते हैं। मित्र, तुम अपने ध्यान के माध्यम से उसे ढूंढ सकते हो। जब निश्चित स्थान का पता चल जाएगा तब हम जाकर वहाँ से ले लेंगे। जब बिना श्रम के उस पुष्प के स्थान के विषय में जाना जा सकता है तब व्यर्थ क्यों भटकना। लगाओ ध्यान और देखो कि वो दुर्लभ पुष्प कहाँ है। तुमने सत्य कहा मोर, मैं भी पता लगाता हूँ। पता चल गया मित्र? हाँ मोर, परंतु वो स्थान यहाँ से बहुत दूर। तब समय पर कैसे ला पाएंगे हम लोग उस पुष्प को? मेरा मित्र त्रिशूल मेरे कार में मेरी सहायता करेगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।